सैमी भैया है ब्लॉग में। इसको जब भी कुछ भी देता हूँ इसका फर्स्ट टाइम ही रहता है। भाई कैसा लग रहा है आपको ये? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम बोली ये लड़का इतना खाता है, जैसे कि वन एंड ओनली है तो इसको आप परचेज भी नहीं कर सकते हो। अभी कोई लफड़ा नहीं चाहिए, कोई कंट्रोवर्सीज नहीं चाहिए। Hey guys, good morning, a very good morning from Kolkata. This is welcome back to my YouTube channel. उम्मीद करता हूँ guys आप सारे लोग मेरे तरफ बढ़िया होगे, एकदम बढ़िया ही रहना guys। और आज है संडे मॉर्निंग, और भाई आज संडे मॉर्निंग को क्या होने वाला है? भाई क्या होने वाला है बता दो। हम राइड पे जा रहे हैं। आप लोग शायद मुझे नहीं जानते। अच्छा, क्यों नहीं जानते भाई बता दो? क्यों? बांग्लादेश से हूँ भाई। क्योंकि भाई इधर से है ही नहीं तो जानते ही नहीं होगा। देख रहे हो, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेरे को तो कोई नहीं जानता है, ये कॉन्फिडेंस होने को मांगता है, क्या बोलते हो? यहाँ पे अभिषेक भाई है। इधर पे क्या है ना कि सुबह सुबह लॉक पड़ा हुआ है, तो इधर अपना देख लो भाई बाहर अभिषेक भाई क्या लेकर के आया। माहौल थोड़ा गर्म कर दिया अभिषेक भाई, Z900 ला करके। हमें तो चक्करा पड़ेगा यार। अभी इधर से हम लोग करेंगे, है ना? अभी चलो गाइस, तो हेलमेट निकालते हैं इधर से एंड फटाफट संडे राइड पे निकलते हैं गाइस। बड़े दिनों बाद संडे राइड, वेरी गुड। आ जाओ धीरे से, इतना हाइट लेके इतना क्या बोलते हैं उसे, इतना हाइट लेकर क्या बोलते हैं? सबसे पहले इधर पे कर लेते हैं थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट। भाई ने अपने ना Z900 पे एक प्यारा सा रेड कलर से रैप करवाया था, जो कि निकाल दिया। भाई मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा बुरा लगा। मैं सोचा भाई आकर के रैप वैप में बाइक देखूंगा, ये तब तक बोल रहा है कि रैप ही निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्या निकल रहा था? रैप खुल जा रहा था, ठीक है। अच्छा, साइड से निकल जा रहा था ना। हाँ, तो गाइज आप लोग जब भी रैप वगैरह कराओगे ना यार बाइक पे, तो एक अच्छे जगह से ही कराना, क्योंकि अगर जो आप लोकल वगैरह से कराते हो ना तो अच्छे से बैठता नहीं है ना, पूरे पैसे वेस्ट हो गए। कितने लगे थे रैप पे? पूरा वेस्ट, दो दिन में निकाल दिया ना। मैं बस भाई इसका इंस्टाग्राम पे देखा है कि भाई मास्क रैप कराया, आया असली में देखने के लिए तब तक गायब हो चुका था रैप। मॉर्निंग भाई, वो भाई साहब सुबह सुबह जो ये जो पुल मिलता है ना, ये भाई लाइफ का सबसे अच्छा पुल है। और भाई यहाँ पे मॉर्निंग में चेक कर सकते हो विश्व बंगला गेट। कैसे हो मेरा भाई? ये चेक करो, इस पे भी ना मैं हल्की हल्की सी व्हीली मार लेता हूँ। पहुंचने में लेट हो गया भाई, और पूरा यहाँ पे तबाही मचा पड़ा है। ओ भाई साहब, भाई कैच करते हैं जल्दी जल्दी हाईवे पे। इधर पे रुकूंगा तो सारे के सारे निकल जाएंगे। यहाँ से ना फुटेजेस मेरे को नहीं मिल रहे, पूरा गोप्रो ढूंढ डाला, फुटेज नहीं है। या तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया होगा, या तो ये ऑटोमेटिक डिलीट हो गया होगा। अब इसके बाद के जो सीन्स है वो सारे आप इंजॉय करो। हाईवे पे पूरा चेस किया था सुपर बाइक के साथ में, मतलब मजा ही आ गया था। मतलब 100-140 तक मैंने चेस किया था। और व्लॉग का एंड जरूर से देखना, क्योंकि उधर पे कुछ कॉमेडी सीन्स है। ओके तो भाई अभी हम आजादीन ढाबा के अंदर में यहाँ पे करने वाले ब्रेकफास्ट। इतना बड़ा बड़ा डोसा है इधर पे आया। क्या बोलते हैं इसको? पूरी सब्जी बोलते हैं, पूरी सब्जी बोलते हैं। तो आओ भाई इसको, हाँ पापड़ है ना ये डोसा? क्या कम पापड़ है? डोसा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा डोसा है। जो भी है जैसा भी है बहुत बड़ा डोसा है। तो आओ भाई पेट पूजा करते हैं सुबह सुबह, ठीक है ना? यहाँ पे देखो सैमी भैया है ब्लॉग में। सैमी भैया सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन नई नई 6R के लिए। ये तो यहाँ इंडिया में नहीं, R6 के लिए। तो ये तो इंडिया में लीगल नहीं है ना? लीगल नहीं है, नहीं मतलब इंडिया में है नहीं। अभी लीगल करने के लिए इसको इम्पोर्ट करा के इम्पोर्ट ड्यूटीज वगैरह सब पे करके ये रजिस्टर्ड है एकदम। इसको ऑनलाइन में मारोगे इसका जो नंबर है, ठीक है, प्रॉपर है, यहाँ आर सिक्स दिखाता है, मतलब सारे ड्यूटीज वगैरह पेड है, ठीक है। अभी मेरा नेम पे ट्रांसफर भी हो रहा है। इंडिया में वन एंड ओनली है ना? वन एंड ओनली है, एकदम क्लीन है। अभी कोई लफड़ा नहीं चाहिए, कोई कंट्रोवर्सीज नहीं चाहिए, साउंड तो मस्त है। अभी हाईवे पे तो क्या मतलब, जब लिमिटर आ रही थी ना तो मजा आ जा रहा था सुनने में।
मस्त आ रहा था ना भाई, ना वीडियो भाई नहीं मेरा भाई 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 हार्दिक सर इन सब तक भाई लुक भी देख सकते हो भाई, कितनी सेक्सी लुक है। बगल में ये ZX10R खड़ी है तो आप लोग कंपेयर कर ही सकते हो भाई। जिन लोगों को ZX10R पसंद है, R6 मतलब भाई है ही नहीं इंडिया में, जैसे कि वन एंड ओनली है तो इसको आप परचेज भी नहीं कर सकते हो। जो है भाई ये वन पीस ही है। लास्ट एंड फाइनल आप लोगों को R6 दिखा देता हूँ भाई। R6 जो है ना भाई मास्टरपीस है, और ये ना आज मतलब सारे लोग इसी पे आकर के फोटोज वगैरह उठा रहे हैं भाई। एक पीस ही है ना, मतलब पूरे इंडिया में एक पीस है भाई। कैसा लग रहा है आपको ये? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ना, मस्त बाइक है। बाकी बहुत जल्द इस बाइक पे राइड रिव्यू आप लोगों को मिलना है। रिव्यू क्या दूंगा भाई, मतलब मैं चला करके मजा लूंगा, वही मजा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये बंदा भाई एक एक बाइक मतलब जो भी बाइक मिल रहा है ये उसका टेस्ट राइड ले ले रहा है भाई। आजादीन ढाबा पे आ करके भाई रील्स वगैरह शूट करते करते, सबसे बातचीत करते करते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला, और कुछ खास शूट भी नहीं कर पाया। बट जितना भी शूट किया उम्मीद करता हूं आप लोगों को मजा आया होगा। पूरे रास्ते पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। एक्चुअली कोलकाता से दिल्ली का जो हाईवे है ना वो प्रॉपर तरीके से पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अच्छा हाईवे बन रहा है। तो भाई कैसा लगा संडे राइड करके? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत भाई बहुत ज्यादा मजा आया संडे राइड पे। मतलब बहुत दिनों के बाद ऐसा थ्रिल मिला भाई संडे राइड को। सारे राइडर्स गए हुए थे, अपने जानने वाले गए हुए थे, तो मजा तो बहुत आया गाइस। कितना 192 भाई, फर्स्ट टाइम सुपर बाइक पे पिलियन लेके 192 क्लियर नहीं था, रोड क्लियर था तो टॉप निकल दी। तो बाकी गाइस अभी ना भाई बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, मतलब आकर के रेस्ट वेस्ट कर लिया, लंच वगैरह कर लिया, थोड़ा सा नींद भी ले लिए, थोड़ा बहुत नींद भी ले लिया, और अभी जाकर के उठे। एंड गाइस अभी घर जाना है, घर जाकर के फिर निकलना कार लेके, फिर मैं आप लोगों को तब का कहानी फिर तब बताता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक कुछ श्योर नहीं है। तो अभी मैं रेडी सेडी होकर के आ चुका हूँ अपनी कार में, क्योंकि भाई अपने को जाना है शॉपिंग मॉल। भाई अपने को कुछ शॉपिंग नहीं करना है, बट जिस लड़की का भी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसको मैंने अपनी बाइक सोल की है, चीकू का जो हाथ पैर तोड़ करके बैठी हुई है ना, उसको ले करके मेरे को शॉपिंग मॉल जाना है। उसका थोड़ा सा अपडेट ले लेंगे कि कितना उसका हाथ पैर ठीक हुआ है और कितने दिनों में ठीक हो जाएगा, कैसा तबीयत वगैरह है, तो सब कुछ समझ लेंगे। गाइस अभी लड़की को हमने पिक कर लिया है, बताओ कैसी हो? ठीक हो ना? पैर वैर का दर्द, हाथ में अभी भी बैंडेज लगा हुआ है ना? पैर में भी है, बेचारी चल नहीं पा रही अभी। मतलब चल रही हो तो लग रहा है, तो ब्लड निकल रहा है थोड़ा, अभी भी ब्लड निकल रहा है, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। अच्छा अच्छा, ऐसे करके तुम मैं तो तुम्हारे जैसा इधर टेडी आ जा रहा है, ब्लॉगर नहीं हो ना, तुम ब्लॉगर ही नहीं हो। वुमेन मेरे को थोड़ी जाना था मॉल, तुमको जाना था ना। तो तुम क्यों आए हो? जाना है इसीलिए ना, मेरे को खाना इसीलिए जा रहा हूँ। तुम बोली ये लड़का इतना खाता है, मैं जब भी बोला इसको कि शॉपिंग के लिए जाना है, ये बोला नहीं मेरा काम है ये बोला। जब भी मैंने उसको बोला चलो ना अमन कुछ खिला दूंगी तुमको, कुछ खिलाऊंगी, खाना वाना खिलाऊंगी, मैं आज स्ट्रीट दे दूंगी तुमको, तब भी फटाक से रेडी होके आ गया। नहीं एक मॉल में ना एक्चुअली पार्किंग नहीं है, मतलब ग्राउंड में हर मॉल के पार्किंग रहती है, यहाँ पे नहीं है, जिसके वजह से क्या हो गया ना हम लोगों को रास्ते में पार्क करना पड़ा। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने चौमिन लिया है, पहले पेट पूजा कर लेते हैं उसके बाद फिर शॉपिंग करने जाएंगे। अमन तो इसीलिए आया है ना पेट पूजा करने के लिए, मेरा पूरा फोकस तो सिर्फ खाने पे रहता है ना, इसीलिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे चौमिन ले लिया, थोड़ा सा चौमिन वगैरह खाते है। ये गाइस स्टोर, हम लोगों ने चौमिन खत्म कर दिया, साथ ही साथ हमारे लिए यहाँ पे आ चुका है मोमो। भाई खाना पीना जारी रहना चाहिए। लड़की ने कितना सारा शॉपिंग कर लिया, एक विंटर के लिए लिया, दो विंटर के लिए, दो नॉर्मल, एक जींस, भाई पांच चीजें खरीद लिए, और अभी भी देख ही रही है भाई, अपने को कुछ यहाँ पे खरीदना हुआ नहीं। वीडियो में बहुत सस्ता मिल जाता है ना? नहीं क्या नहीं, मैं तो देखा रील्स में आ रहा था ना 799 और 999 में एवरीथिंग, मतलब हाईएस्ट प्राइस का 999 है ना, 999 के ऊपर प्राइस कम है लेकिन ठीक ठाक है। मैंने इस बैग में शॉपिंग किया, मेरा कुछ ज्यादा नहीं है, मेरा बस एक चप्पल है, और यहाँ पे भाई ये वाली टेडी अमन ने गिफ्ट किया। फर्स्ट टाइम कुछ दिया है। क्यों इसके पहले नहीं दिया?
इसको जब भी कुछ भी देता हो इसका फर्स्ट टाइम ही रहता है, ठीक है ना, कितना भी दे लो फिर भी बोलती है फर्स्ट टाइम ही दिया, फर्स्ट टाइम ही दिया, फर्स्ट टाइम ही दिया। कुछ भी खिला दो बोले कि फर्स्ट टाइम ही खिलाया, फर्स्ट टाइम ही खिलाया। इसका सब कुछ कहीं भी लेके जाओगे बोलिए फर्स्ट टाइम मेरे को कहीं लेके गया। तो ये है गाइस, फिलहाल इधर से निकलते हैं फटाफट से। एंड अभी का जो टाइम है कितना बज रहा है देखो, 8:58 हो रहा है। बहुत ज्यादा हो गया ना? नहीं ठीक है।